بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो कि बेटा आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने थेरेपी पढ़ी है, दैट इज कपल्स थेरेपी, ठीक है। कपल्स थेरेपी या कपल्स काउंसलिंग हम कह सकते हैं इसको। अगर हम कपल्स थेरेपी की बात करें, कपल्स काउंसलिंग की, तो इसमें बेसिकली हम कपल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, जिसमें उनको हेल्प आउट करते हैं। द कपल्स हु आर गोइंग थ्रू इमोशनल या चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, या फिर दे आर हैविंग द डिफ़िकल्टीज इन एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस, फीलिंग्स एक्सेट्रा, ठीक है, टू देयर पार्टनर्स। इसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम्स रेंज करती हैं वो सिंपल कम्युनिकेशन इश्यूज से स्टार्ट होती हैं, या फिर सिग्निफिकेंट डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, और ये फिर मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ भी जाती हैं प्रॉब्लम्स। और इसमें हमारे पास सब्सटेंस अब्यूज़ इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं। और हम ये सिर्फ नहीं कहते कि मेल्स आर इन्वॉल्व इन द सब्सटेंस अब्यूज़ इश्यूज़, फीमेल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सब्सटेंस अब्यूज़ इश्यूज़। इसमें अगर हम बात करें कपल्स थेरेपी की, तो ये बेसिकली पार्टनर के साथ रिकनेक्शन को बिल्ड कर रही होती है। जो डिफरेंसेस दोनों पार्टनर्स में आ रहे होते हैं उनको मेंड करती है, और बहुत सारे तरीके हैं जिसमें उनको मेक श्योर करती है ये थेरेपी कि उनके अंदर एक स्पार्क जो है कपल में वो ज़िंदा रह सके, और जो उनका रिलेशनशिप है वो हेल्दी हो सके, ठीक है, विदाउट सीइंग अ प्रोफेशनल। यानी कि एक थेरेप्यूटिक सेशन इतना अच्छा हो कि वो दोनों इंडिपेंडेंटली अपने इस रिलेशनशिप में जो स्पार्क होता है उसको मेंटेन रख सकें आफ्टर द एंड ऑफ द सेशंस। अच्छा, उसके अलावा कपल्स को ये चीज़ बताई जाती है कि इट्स नेवर टू लेट नॉर टू अर्ली टू स्टार्ट पुटिंग अ लिटिल मोर एफर्ट इन टू योर रिलेशनशिप, ठीक है। उनको अपने रिलेशनशिप में एक एफर्ट पुट करनी बहुत ज़रूरी है, और इससे उनका जो कनेक्शन होता है वो इम्प्रूव होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेज भी पार्टनर्स को बताई जाती हैं कपल काउंसलिंग में, कपल्स को सिखाई जाती हैं कि जो कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं विद देयर पार्टनर्स टू इंक्रीज़ द बॉन्डिंग इन देयर रिलेशनशिप, ठीक है, अपने इस रिलेशनशिप को बेहतरीन कर सकते हैं। और जितना स्ट्रॉन्ग कपल्स का रिलेशनशिप होगा, दोनों पार्टनर्स का रिलेशनशिप होगा, उतनी ही ज़्यादा वो फैमिली हेल्दी होगी, बच्चे उतने ही ज़्यादा हेल्दी या फंक्शनल होंगे। और जिन कपल्स का रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होता, डिसफंक्शनल होता है, उनकी जो बच्चे होते हैं या फैमिली होती है उतनी ही ज़्यादा डिसफंक्शनल होती है। तो बेसिकली एज अ फैमिली थेरेपिस्ट, एज अ मैरिज काउंसलर और कपल काउंसलर, आप बहुत सारी एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ भी कपल्स को सिखाते हो ताकि वो एक दूसरे से क्लोज हो सकें, अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकें। तो हम कुछ एक्टिविटीज़ और टेक्निक्स भी इसके बाद देख लेते हैं कि बेसिकली कौन कौन सी टेक्निक्स हम कपल्स को सिखा सकते हैं या बता सकते हैं। ओके बेटा, जो फर्स्ट टेक्निक हमारे पास है कपल्स थेरेपी में, दैट इज़ बेसिकली रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग जो है ये हाईली बेनिफिशियल एक्सरसाइज है, जिसमें जो कपल्स होते हैं दे जस्ट टर्न टूवर्ड्स ईच अदर एंड दे जस्ट स्टार्ट लिसनिंग ईच अदर एक्टिवली, ठीक है। इसमें कपल्स को सिखाया जाता है कि उनको आई फ्रेज को यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ यू स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जो पार्टनर है ही और शी कैन टेल द अदर पार्टनर कि आई फील हर्ट व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, ठीक है। ये स्टेटमेंट देनी है इंस्टेड ऑफ, हम क्या स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कपल्स हमारे एक दूसरे को कि यू आर रॉन्ग फॉर डूइंग समथिंग, फॉर डूइंग दैट और दिस और वॉट एवर। तो इस स्टेटमेंट को आप रिफ्रेज कर सकते हो आई से कि मुझे बुरा लगा जब आपने ये किया, इसके बजाय कि आप ये कहो कि आप गलत थे वो करते हुए। तो इससे अगला बंदा एग्रेसिव हो जाता है, उस वो
फिर गुस्से में आ जाता है, तो इसलिए कपल्स को बताया जाता है कि दे हैव टू बी वेरी मच गुड इन लिसनिंग और रिफ्लेक्टिव लिसनिंग में वो इस तरह से चीज़ें बताएंगे। अब जब कपल को हम बीइंग एक्टिव लिसनर्स के बारे में बताते हैं कि दे हैव टू बी वेरी मच एक्टिव लिसनर, तो इससे क्या होता है, उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती हैं, उसके अलावा जो उनमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं। तो जब कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी तो फिर कपल की जो अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट है, कॉपरेशन है, वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स भी उनमें आएंगी। उनको पता चलेगा कि कोई स्ट्रेसर है या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो हाउ दे हैव टू कोप अप विद द अदर पर्सन। एक को गुस्सा आ जाए तो दूसरे ने कैसे खामोशी से सुनना है, दूसरे को आ जाए तो पहले ने कैसे रिएक्ट करना है। तो दिस हेल्प्स मच अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी कपल्स को देखें तो जो कपल्स एक्टिव लिसनर होते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, दे आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास थेरेपीटिक टेक्निक है दैट इज़ बेसिकली इमोशनली फोकस्ड थेरेपी। अगर हम इमोशनली फोकस्ड थेरेपी की बात करें तो इसका जो मेन गोल होता है वो बेसिकली कपल्स के बीच में या उनके रिलेशनशिप में जो मैल अडेप्टिव पैटर्न्स होते हैं या मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको अंदर सिक्योर बॉन्ड्स और सिक्योर अटैचमेंट्स को क्रिएट करना। ठीक है, और इसमें टेक्निक्स सिखाई जाती हैं क्लाइंट्स को ताकि वो उन टेक्निक्स को लर्न कर सकें और यूटिलाइज़ कर सकें अपनी अटैचमेंट्स को सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए अपने रिलेशनशिप में। अगर हम इमोशनली फोकस थेरेपी की बात करें तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म थेरेपी होती है और इसका मेन फोकस अटैचमेंट और बॉन्डिंग पे ही होता है। ये डेवलप हुई थी 1980s में बाय जॉनसन और ग्रीनबर्ग और इसकी जो रूट्स हैं वो बेसिकली रिसर्च बेस्ड हैं जिसमें लव को एज एन अटैचमेंट बॉन्ड देखा गया था। ठीक है, और इसमें बेसिकली अटैचमेंट पे बेस कर रही होती है, तो अटैचमेंट बिटवीन द कपल जो कि क्रिएट की जाती है ताकि वो कंफर्ट ऑब्टेन कर सकें, एक दूसरे से सिक्योर फील कर सकें और स्ट्रेस के अगेंस्ट कोप अप कर सकें। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी कपल्स की वो उतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट्स को अच्छे तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट टेक्निक इज़ गॉटमैन मेथड। गॉटमैन मेथड भी कपल्स थेरेपी की ही एक टेक्निक है और इसमें एक थॉरो असेसमेंट होती है कपल के रिलेशनशिप की और इसमें जो बेसिक गोल्स होते हैं गॉटमैन मेथड कपल थेरेपी के वो ये होते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग वर्बल कम्युनिकेशंस हमें नज़र आ रहे होते हैं उनको डिस्कार्ड करना, इंटीमेसी को इनक्रीज़ करती है, रिस्पेक्ट को इंक्रीज़ करती है, अफेक्शन को इंक्रीज़ करती है और उन बैरियर्स को रिमूव करती है जो कपल्स के बीच में फीलिंग्स ऑफ स्टेगनेंसी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेंस ऑफ एम्पथी को हाइटेंड करती है और जो रिलेशनशिप का कॉन्टेक्स्ट है उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। ठीक है, ये जो मेथड है इसमें कपल्स के साथ एक असेसमेंट प्रोसेस होता है जो कि एक थेरेप्यूटिक फ्रेमवर्क और इंटरवेंशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब इस असेसमेंट में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं कपल्स उनके साथ इंटरव्यूज़ होते हैं और कपल्स को कंप्लीट क्वेश्चनर्स भी दिए जाते हैं और डिटेल फीडबैक भी रिसीव किया जाता है उनसे ऑन देयर रिलेशनशिप। ठीक है, और थेरेप्यूटिक फ्रेमवर्क में क्या होता है कि जो कपल और थेरेपिस्ट है वो सेशंस की फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन को डिसाइड करते हैं, जबकि थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस में क्या होता है कि तीन प्राइमरी एरियाज़ को स्ट्रेंथन किया जाता है बिटवीन द कपल्स उनके रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, एक फ्रेंडशिप, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और तीसरा क्रिएशन ऑफ शेयर्ड मीनिंग। ये चीज़ें सिखाई जाती हैं और कपल्स को सिखाया जाता है कि वो कैसे नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट पैटर्न्स को रिप्लेस कर सकते हैं विद द पॉजिटिव इंट्रैक्शंस। ठीक है, और कैसे अपने पास्ट हर्ट्स को रिपेयर कर सकते हैं, पास्ट वूंड्स को रिपेयर कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो इंटरवेंशंस हैं वो बेसिकली डिज़ाइन की जाती हैं ताकि कपल्स में इंटीमेसी को, क्लोजनेस को इंक्रीज़ किया जा सके और इसके थ्रू उनके दरमियान में एक फ्रेंडशिप
बनाई जा सके, उसको बेहतर किया जा सके, डीपन किया जा सके इमोशनल कनेक्शन को, और चेंजेस क्रिएट कर किए जा सकें जो कि कपल्स के जो शेयर गोल्स हैं उनको इन्हेंस करते हैं, ठीक है। और रिलैप्स प्रिवेंशन से भी एड्रेस किया जाता है, उनको बताया जाता है कि कौन कौन सी फैक्टर्स या कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं जो रिलैप्स की तरफ उन्हें लेके जा सकते हैं, तो वो कैसे उन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली गॉटमैन मैथड का टेक्निक होती है, ये गॉटमैन मैथड के गोल्स होते हैं जो कि अचीव किए जाते हैं इन द सेशन। नेक्स्ट टेक्निक इज सोल्यूशन फोकस्ड थेरेपी। अगर हम सोल्यूशन फोकस्ड थेरेपी की बात करें तो ये बेसिकली ये हेल्प आउट कर रही होती है टू क्रिएट और जनरेट स्पेसिफिक गोल्स, ठीक है। और ये एक शॉर्ट टर्म गोल फोकस्ड थेरापेटिक अप्रोच है जो कि क्लाइंट्स को हेल्प करती है कि वो कैसे शॉर्ट टर्म गोल्स सेट कर सकते हैं फॉर देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। और फिर इन शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस करके, इनको पे काम करके वो कैसे अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। बेसिकली सॉल्यूशन फोकस थेरेपी प्रॉब्लम्स पे फोकस करने के बजाय सॉल्यूशंस पे फोकस करवा रही होती है, ये क्लाइंट को हेल्प आउट करती है कि वो सॉल्यूशंस पे फोकस करें रेदर देन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम्स। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो मेन चल रहा होता है वो ये होता है कि एवरीवन, आइदर वो कपल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, फैमिली है, एनीवन, वो ये क्या कर रहे होते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे होते हैं। तो क्लाइंट को ये चीज़ कन्वे करने की ज़रूरत होती है कि दे डोंट नीड टू फोकस ऑन देयर प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हो तो आपकी प्रॉब्लम्स भरना शुरू हो जाती है, वो आपको ज़्यादा बड़ी लगना शुरू हो जाती है। रैदर फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, जस्ट डू फोकस ऑन द सॉल्यूशंस के एक मसला आपकी ज़िंदगी में आ गया, एक प्रॉब्लम आ गया, एक इशू आ गया, तो उसके कितने हल आपके पास मौजूद हैं, कितने सॉल्यूशंस, और उन पर काम करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो ये बेसिकली सॉल्यूशंस पे फोकस करवा रही होती है क्लाइंट का। तो इस तरह से ये कपल्स को भी हेल्प करती है कि वो कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं व्हाइल हैविंग द सॉल्यूशंस। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस एप्रिसिएशन। कपल्स को ये चीज़ भी सिखाई जाती है कि दे शुड एक्सप्रेस एप्रिसिएशन टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। उनको अप्रिशिएट एक दूसरे को करना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कोई बात अच्छी लग गई है, कोई आदत अच्छी लग गई है, द थिंग्स दे लर्न फ्रॉम ईच अदर, तो दे शुड अप्रिशिएट ईच अदर, ठीक है। जब हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो ये रिलेशनशिप में बहुत वर्कआउट करता है, और जो रिलेशनशिप है बिटवीन द कपल उसको भी ये स्ट्रेंथन करता है, बॉन्डिंग को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो कपल्स को ये चीज़ आपको सिखानी है एज अ थेरेपिस्ट के दे शुड मेक इट अ हैबिट टू एक्सप्रेस द एप्रिसिएशन ऑन डेली बेसिस, ठीक है। जो वन टू वन कन्वर्सेशंस होती हैं थ्रू टेक्स्ट, थ्रू स्टिकी नोट्स प्लेस कर दें पार्टनर के लिए, तो इससे भी उनके दरमियान में बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, अटैचमेंट स्ट्रांग होगी, अफेक्शन स्ट्रांग होगी, इंटीमेसी इंक्रीज होगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेसिंग एप्रिसिएशन टूवर्ड्स ईच अदर। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दैट ब्रिंग अ बिग चेंज बिटवीन द कपल। नेक्स्ट थेरेपेटिक टेक्निक इज आइडेंटिफाई योर पार्टनर्स लव लैंग्वेज। इसमें ज़रूरी नहीं है बेटा कि जो कपल है वो एक रिलेशनशिप में है तो दे विल एक्सपीरियंस द लव इन द सेम वे, ठीक है। फाइव लव लैंग्वेजेस को एक्सप्लेन किया गया था, चैपमैन ने एक्सप्लेन किया था कि ये जो फाइव लव लैंग्वेजेस होती हैं ये कपल को हेल्प कर रही होती हैं कि वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली मेक्स देम फील लव्ड, ठीक है, और वो कैसे लव को एक दूसरे के लिए शो अप कर सकते हैं। अब ये फाइव जो लव लैंग्वेजेस होती हैं ये क्या होती हैं। नंबर वन इज़ रिसीविंग गिफ्ट्स। इट इज़ ऑल्सो अ लव लैंग्वेज व्हेन देर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स बिटवीन द कपल, तो ये भी प्यार को बढ़ाता है। वैसे भी हमारे दीन में भी ये चीज़ कही गई है कि तोहफे तहाइफ एक दूसरे को देते रहा करो, ये मोहब्बत को बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्ट्स ऑफ सर्विस, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। द फोर्थ वन इज़ क्वालिटी टाइम एंड द फिफ्थ वन इज़ फिज़िकल टच। तो ये सारी चीज़ें कपल्स को एक्सप्लेन की जाती हैं कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे एक्चुअली डिफाइन द पार्टनर्स लव लैंग्वेज। तो ये जब इनमें से कोई सिम्टम्स या इनमें से कोई फाइव में से कोई चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इन द अपोजिट वन इन योर पार्टनर, तो इट मीन्स दैट इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ लव फॉर यू। और लव लैंग्वेज को डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है और इसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है, और जब ये अंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाते हैं एंड देयर इज़ अ पॉजिटिविटी इन बॉन्डिंग बिटवीन द कपल।
नेक्स्ट इज बेटा फिल योर इंटीमेसी बकेट. ठीक है, इंटीमेसी की अगर हम बात करें तो बेसिकली किसी भी रिलेशनशिप में इंटीमेसी को हम कहते हैं कि फीलिंग्स ऑफ क्लोजनेस, फीलिंग्स ऑफ इमोशनली कनेक्टेड और फीलिंग्स ऑफ सपोर्ट. ठीक है, और इसमें हमारे पास एक होल रेंज ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं जो कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग शेयर कर रहे होते हैं. अगर हम इंटीमेसी बकेट की बात करें तो रिलेशनशिप में इंटीमेसी बकेट को फिल रखना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि एक यूनिक लैंग्वेज होती है, कि उस यूनिक लैंग्वेज को जो आपके पार्टनर की लैंग्वेज होती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ये बेसिकली हम कपल्स को सिखा रहे होते हैं. ठीक है, इफ़ दे वांट टू हैव अ हैप्पी एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप तो उन्हें एक दूसरे की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना होगा. द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, कपल एक दूसरे के वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती है. ठीक है, और उनको ये चीज़ बतानी होती है एज अ थेरेपिस्ट आपने कि इट्स नेचुरल थिंग दैट स्ट्रेसेस, डिसएग्रीमेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं लाइफ में. ठीक है, और जो बकेट होती है वो आपकी उसको ड्रेन आउट कर देती है, लेकिन डेली बेसिस पे यू हैव टू रिफिल इट. रीफिलिंग जो होती है बकेट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इफ़ दे वांट टू हैव अ सेटिस्फाइड, कंटेंटेड या हैप्पी रिलेशनशिप तो वो इस बकेट को फिल कर सकते हैं. अब यहाँ पे उन्हें एक चीज़ सिखाने की ज़रूरत ये होती है कि दे कैन टॉक अबाउट देयर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस. जब भी वो फ्रस्ट्रेटेड फील करें, एम्पटी फील करें, डिसएग्रीमेंट्स हों, तो वहाँ पे वो फौरन से पॉजिटिव, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड चीज़ों के बारे में सोचना शुरू हो जाएं कि व्हाट एक्चुअली द थिंग्स दे आर दैट आर मेकिंग द रिलेशनशिप गुड. जब वो अच्छे पीक पे, अच्छा रिलेशनशिप चल रहा होता है, तो उस टाइम पे वो क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो जब नेगेटिविटी या डिसएग्रीमेंट्स या डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं, तो आप उन कपल को ये चीज़ बता सकते हैं कि उसमें वो अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें, क्रिएटिव हो जाएं, सपोर्टिव हो जाएं, एक दूसरे के लिए पैशनेट हो जाएं, तो उनका रिलेशनशिप हेल्दी, हैप्पी और सपोर्टिव हो सकता है. तो दिस इज़ इंटीमेसी बकेट बेसिकली. नेक्स्ट टेक्निक इज़ प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में भी और कपल्स की लाइफ में भी, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. व्हेन यू शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अदर पर्सन, तो ये बेसिकली वेलबींग को बूस्ट अप करता है और जो कपल्स का रिलेशनशिप है, पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप है, उसको भी इंक्रीज करता है. एक स्टडी में देखा गया था कि व्हेन पार्टनर इज शोइंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अदर पार्टनर, तो बेसिकली जो ग्रेटिट्यूड है वो ऑक्सीटोसिन को इंक्रीज करता है. ठीक है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है एक ह्यूमन बीइंग में, जो कि हेल्प करता है ह्यूमंस को टू काम डाउन. ठीक है, और उनके जो स्ट्रेस लेवल होता है, स्ट्रेसर्स होते हैं, उनको डिक्रीज करता है. एक और रिसर्च में ये देखा गया था कि जो ग्रेटिट्यूड है वो ग्रेटर एक्सपीरियंस लव की तरफ लेके जाता है, और वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है. और एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने पार्टनर से कोई भी तीन चीज़ें शेयर करते हो और उसके लिए ग्रेटफुल होते हो उसके साथ, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बताऊँ, तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि मेरा शुक्र अदा करो और मेरे बंदों का शुक्रिया अदा करो. तो जब आप दूसरों का शुक्रिया अदा करते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, उन्होंने कुछ अच्छा आपके लिए किया होता है, तो उससे बहुत खुशी मिलती है सामने वाले को भी और आपको भी. और अगर ये कपल्स के दरमियान में ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनके वेलबींग के लिए और सर्वाइवल के लिए. ओके, द नेक्स्ट टेक्निक इज आइस ब्रेकर्स. अगर हम आइस ब्रेकर्स की बात करें तो आइस ब्रेकर्स में बेसिकली वी हैव टू ब्रेक द आइस. जैसे हम स्ट्रेंजर्स के साथ आइस को ब्रेक कर रहे होते हैं, इसी तरह से कपल्स को ये सिखाया जाता है कि दे हैव टू ब्रेक द आइस विद द पार्टनर इफ दे वांट टू नो ईच अदर. ठीक है, जैसे आप किसी के साथ अगर आइस को ब्रेक करना चाह रहे हो किसी स्ट्रेंजर के साथ, तो आप इकट्ठे काम करके करोगे, या फिर इंट्रैक्शन उनके साथ फोर्सफुली इंट्रैक्ट करोगे कोई भी सवाल जवाब पूछने के लिए, तो इस तरीके से आइस ब्रेक की जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे कपल्स को सिखाया जाता है कि व्हेन दे वांट टू स्टे कनेक्टेड स्ट्रॉन्गली, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उन्हें आइस ब्रेक करनी होगी. और वो कैसे हो सकती है, ऑल्दो दे नो ईच अदर. ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव पर्सनैलिटीज़ के ऐसे होते हैं या लाइफ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में पार्टनर्स को दूसरे के बारे में नहीं पता होता, तो वो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, फन आइस ब्रेकर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ताकि उन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन प्रोड्यूस हो सके. ठीक है, इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आप पार्टनर अपने क्लाइंट को बता सकते हैं, वो पूछ सकते हैं अपने पार्टनर से कि टेल मी समथिंग वियर्ड अबाउट योर सेल्फ,
टेल मी योर फेवरेट आइसक्रीम कलर, टेल मी अबाउट योर फेवरेट फूड, तो इस तरीके के सवाल और एक कनेक्शन बिल्ड हो सकता है कपल्स के बीच में और उनकी आइस ब्रेक हो सकती है एंड दे वुड फील मोर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, और नई इंटरेस्टेड चीज़ें भी उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चलेंगी। उसके बाद अगर हम बेटा बेनिफिट्स की बात करें तो क्या क्या फ़ायदे कपल्स थेरेपी से आपके क्लाइंट को हो सकते हैं, कपल्स को हो सकते हैं। बेसिकली द थेरेपिस्ट इज़ द प्लेइंग द रोल ऑफ अ थर्ड पार्टी मीडिएटर, जो कि उनके दरमियान में एक कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन को फैसिलिटेट कर रहा होता है, उन्हें हेल्प आउट करता है कि वो कैसे कन्वर्सेशन को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा थेरेपिस्ट क्लाइंट्स को हेल्प आउट करता है कि हाउ दे कैन चेंज देयर वे ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से नए कम्युनिकेशन के तरीके वो अपना सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। उसके अलावा कैसे डिस्ट्रेस को डिक्रीज किया जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम किया जा सकता है रिलेशनशिप में। उसके बाद है कि कैसे वो टाइम सेट कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं एक दूसरे को, स्केड्यूल्स कैसे सेट हो सकते हैं उनके एक दूसरे के साथ ताकि वो अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकें। उसके अलावा एक सेफ काम स्पेस भी प्रोवाइड करती है थेरेपी, जिसमें वो बहुत सारे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो कि उन्होंने कभी डिस्कस नहीं किए होते एक दूसरे के साथ, और फिर थेरेपिस्ट उनको हेल्प आउट करते हैं कि इन फ्यूचर में वो असर्टिवली कैसे अपने इशूज़ को कन्वे कर सकते हैं टूवर्ड्स देयर पार्टनर। उसके अलावा कुछ ऐसी टेक्निक्स सिखाई जाती हैं जिसमें उनकी इमोशनल इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी को इन्हेंस किया जाता है, जो हमने ऊपर टेक्निक्स भी पढ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे एक्शन प्लान्स फॉर्म किए जाते हैं जिसमें वो अपने रिलेशनशिप को कैसे प्रायोरिटी बेसिस पे रख सकते हैं, प्रायोरिटी दे सकते हैं अपने रिलेशनशिप को। उसके अलावा अगर हम कुछ और बेनिफिट्स की बात करें तो कपल थेरेपी से जो बेनिफिट्स हासिल हो रहे होते हैं उसमें यह है कि हेल्दी बाउंड्रीज उनके रिलेशनशिप में इस्टेब्लिश होती हैं, वो ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है, वो अपने हार्मफुल और डैमेजिंग बिहेवियर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन पर काम करते हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जो नेगेटिविटी उनमें आई होती है या नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं उनको पॉजिटिव बिहेवियर पैटर्न से वो रिप्लेस करते हैं। उसके अलावा जो थेरेपिस्ट है उन्हें हेल्प आउट करता है कि जो उनके इमोशंस, अंडरलाइंग इमोशंस या अंडरलाइंग इश्यूज होते हैं उनको कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकता है, और जो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ चुके हैं कौन कौन सी स्किल्स वो सीखते हैं, यानी कि डिफरेंट स्किल्स सीखते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए, और उसके अलावा एक कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करते हैं और लर्न करते हैं कि वो कैसे एक लविंग वे में या काइंड वे में एक दूसरे को खुद से रिलेट कर सकते हैं। उसके अलावा लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग उनको सिखाई जाती है, सपोर्ट सिखाई जाती है, ग्रेटिट्यूड सिखाया जाता है, और वो कैसे अपनी स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे अपनी नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिलेशनशिप में और कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और अगर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट उनकी लाइफ से गुजरा है किसी भी कपल में, मे बी उनमें से एक कोई इंडिविजुअल या दोनों इंडिविजुअल डाइवोर्स्ड हुए हों पहले, तो अब ट्रस्ट के इश्यूज आ रहे हों उन्हें, उनमें तो वो कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है, कोई ट्रॉमा आया है तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, फिजिकल या इमोशनल इंटीमेसी को कैसे इन्हेंस किया जा सकता है, और कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ जब आते हैं पेरेंटिंग के दौरान, स्पेशली पेरेंटिंग पे भी उनको सिखाया जा सकता है कि कैसे वो पेरेंटिंग कर सकते हैं अपने बच्चों की, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ फ़ायदे होते हैं। एंगर इश्यूज़ को रिजॉल्व करना सिखाया जाता है, इनफर्टिलिटी है अगर तो उसमें उनको कैसे उस चीज़ को लेके चलना है वो सिखाया जाता है, ब्लेंडेड फैमिलीज और स्टेप पेरेंटिंग के बारे में बताया जाता है, करियर प्रेशर्स और जॉब चेंजेस के बारे में, फाइनेंशियल इश्यूज़, बहुत सारे कपल्स को फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं जिसकी वजह से एग्रेसिव बिहेवियर्स घर में होते हैं और फिर वो एग्रेसिव बिहेवियर्स स्ट्रेसर्स उनके अंदर डिप्रेशन या एनजाइटी के सिम्टम्स को जनरेट कर रहे होते हैं, तो उनको भी रिजॉल्व किया जा सकता है इस थेरेपी के थ्रू। सो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आई होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी चीज़ों की जो मैंने टॉपिक्स आज कवर किए हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।